हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज की ये जो टैरो का रीडिंग हम कर रहे हैं, इसमें देखने की कोशिश करेंगे आज रात आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए क्या रहेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी। ओके व्यूअर्स, सो यहाँ पर ना जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, आपको क्या करना है, अपने उस पार्टनर को विजुअलाइज़ करना है जिसके बारे में भी सोच कर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके व्यूअर्स, और पॉजिटिव माइंड के साथ देखना है इस रीडिंग को। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल, फीमेल और मैरिड अनमैरिड सब देख सकते हैं इस रीडिंग को। ओके, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो आए हैं एट ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सिक्स ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्स एंड द लवर्स। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। ऐसा लगता है ये पर्सन ना काफ़ी बेकरार और बेचैन रहने वाला है आज रात। रात ये पर्सन ना स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करेगा आपके साथ में। इसको ऐसा लगने वाला है कि आपके साथ ना इसका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये यूं ही आपके बारे में नहीं सोचते रहते, इनको ऐसा लगने वाला है कि कोई ना कोई कनेक्शन तो है आपके साथ में, जो ये दिन रात आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं। जबकि ये पर्सन ना आपसे मूव ऑन कर गया है, इसके बावजूद भी आप इस पर्सन के दिल और दिमाग से निकल ही नहीं पा रहे हैं। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक भी है ना, तो वहाँ पर रह कर भी ये आपकी यादों से आज़ाद नहीं कर पा रहा है, खुद को अपने माइंड को शांत नहीं कर पा रहा है। दिन रात आप ही के बारे में सोचता रहता है, बेचैनी रहती ये इस पर्सन के दिल में कि कहीं आप किसी और के साथ एक नई शुरुआत न कर दें अपनी जिंदगी की। क्योंकि इस पर्सन को अपनी खुशियों से ज़्यादा इस बात की ज़्यादा फिक्र रहती है कि आप किसके साथ क्या कर रहे हैं और आपके जीवन में क्या चल रहा है। ये पर्सन आपको स्टॉक करता रहता है, आप पर नज़र रखे रहता है कि आप किसके साथ क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके जीवन में चल क्या रहा है। तो ये पर्सन आपके हर पल की खबर रखने की कोशिश करता है और आज रात भी ये पर्सन ना अपने माइंड को आपकी यादों से आज़ाद नहीं रख पाएगा। ये पर्सन आपके बारे में ही सोचता रहेगा। इस पर्सन का जो नज़रिया है आपको देखने का ना, वो इस तरह का है कि आपको ये बहुत ब्यूटीफुल मानता है। इसको ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ब्यूटीफुल हैं और आप किसी की भी लाइफ का हिस्सा बनेंगे तो उसकी लाइफ को खुशियों से महका देंगे। तो इस पर्सन को ये बात पता है कि कोई भी आपके साथ हैप्पी रह सकता है, खुश रह सकता है, बट ये पर्सन ना अपने ईगो और घमंड की वजह से आपसे मूव ऑन कर गया है या फिर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हो गया था, तो शायद आपने ही इसे छोड़ दिया है, आपने मूव ऑन कर लिया है। यहाँ या तो आपके पर्सन ने मूव ऑन किया है या फिर आपने किया है। यहाँ ऐसा ही लगता है मुझे, कोई तो मूव ऑन कर गया है इस रिलेशनशिप से। बट ये पर्सन ना आपको काफ़ी ब्यूटीफुल मानता है और इसको ऐसा भी लगता है कि आप एक स्टार की तरह हैं, यानी कि इस पर्सन को ऐसा लगता है आप एक स्टार हैं और जिसकी भी जिंदगी में जाएंगे उसकी लाइफ को ना खुशियों से भर देंगे। इस बात का रियलाइजेशन इसे आज रात होने वाला है क्योंकि इस पर्सन को ना कोई सक्सेस मिली है। जब इस पर्सन को कोई सक्सेस मिली है ना, तो इस पर्सन को भी अब ऐसा लगने लगा है कि ये भी अपने जीवन में कुछ कर सकता है, कुछ पा सकता है अपने जीवन में। और जब इसने कुछ पाया है तो आपकी कमी महसूस कर पा रहा है इसको। और जब ये आपके साथ था ना, तो आपको एक स्टार की तरह दिखता था और इस पर्सन को ऐसा लगता था ये कुछ भी नहीं है, इसकी ज़िंदगी तो नथिंग है, जैसे कि ये बस बिना वजह ही ज़िंदगी जिए जा रहा है, जिसकी वजह से इसका ईगो और गुस्सा और घमंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से ये मूव ऑन कर गया है आपसे। इस पर्सन को ऐसा लगा था कि जब ये आपकी ज़िंदगी से जाएगा तो आप रोएंगे, तड़पेंगे, गिड़गिड़ाएंगे इसके आगे कि, और महसूस करेंगे इस पर्सन की कमी को, रह नहीं पाएंगे इस पर्सन के बिना। अब इस पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो गई है कि जब से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से गया है, आप काफ़ी खुश रहने लगे हैं, हैप्पी रहने लगे हैं, इसके बिना भी आप ज़िंदगी जी सकते हैं। तो इस पर्सन को ये एहसास ना अंदर ही अंदर परेशान करते जा रहा है और ये पर्सन ना अब ऐसा फील कर रहा है कि आप इसको किस्मत से मिले थे, इस पर्सन के साथ तो आपका कोई ना कोई किस्मत कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये अब आपसे ना कम्युनिकेट करने का सोचेंगे आज रात। इस पर्सन को ये बात बहुत बुरी तरह से महसूस होने वाली है कि इसके अंदर जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, वो यूं ही नहीं है, कोई ना कोई कनेक्शन तो इस पर्सन का आपके साथ में है। तो ये आज रात ना दिल से फील कर पाएगा इस बात को कि इसके साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन है। तो ये पर्सन ना आपके साथ जो कनेक्शन फील करते हैं आज रात, इन्हें ये महसूस होने वाला है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।